ये कहानी एक सुहाने से जंगल की है, जहाँ तमाम पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे और सभी पक्षियों में बहुत ही ज्यादा एका था। कोई भी पक्षी किसी से भी नहीं लड़ता था, परंतु एक कौवे और एक कबूतर की आपस में कभी नहीं बनती थी। वे हमेशा आपस में लड़ते ही रहते। सभी पक्षियों ने कई बार उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे दोनों नहीं मानते थे और वे हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। उन दोनों की इस लड़ाई के कारण ये बात तोते महाराज तक जा पहुंची और तोते महाराज ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। तभी तोते महाराज ने कहा, अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? हमेशा आपस में क्यों झगड़ते रहते हो? क्या तुम दोनों में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है? बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो? तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो और इसी वजह से पूरे जंगल में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और तो और तमाम पक्षियों के बच्चे भी इससे बहुत बुरी सीख हासिल कर रहे हैं। तभी वे कबूतर कहता है, अरे तोते महाराज, मैं तो कभी भी नहीं लड़ता, बस ये कौवा हमेशा मेरे सामने आ जाता है और मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बदले में मुझे भी इससे लड़ना पड़ता है, मैं कभी लड़ना नहीं चाहता हूँ। कबूतर की बात सुनकर कौवा फौरन से कहता है, अरे तोते महाराज, ये कबूतर सरासर झूठ बोल रहा है, बल्कि उल्टा मैं इससे कभी नहीं लड़ता हूँ। ये हमेशा मेरे पास आता है और मुझसे लड़ाई करता है, मैं इससे कभी भी नहीं लड़ता। अरे तो इसका मतलब है तुम दोनों आपस में लड़ते ही नहीं हो? अरे हाँ तोते महाराज, इसका तो नहीं पता, परंतु मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ। इसका तो मुंह ही लड़ने वाला है, जब देखो हर किसी से लड़ता ही रहता है। अरे कौवे, मेरा मुंह जैसा भी हो, मेरा मुंह तुम्हारे मुंह जितना काला नहीं है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, मेरे मुंह मत लगो। अरे देखा तोते महाराज, इसने मुझे काला कहा है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को अभी बंदी बना दूंगा। अरे कबूतर, मेरा मुंह काला है तो क्या हुआ? कम से कम मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम तो पूरे के पूरे सफेद हो और एक आत्मा जैसे लगते हो। फिर वे दोनों तोते महाराज के सामने भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और तोते महाराज उन दोनों को देख रहे होते हैं। सही कहते हैं पक्षी, तुम लोग बहुत लड़ाई करते हो, और अभी तो तुम लोगों ने मेरे सामने लड़ना शुरू कर दिया, तो बाहर कितना लड़ते होगे? चुप हो जाओ तुम दोनों। फिर तोते महाराज की बात सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और वे दोनों चुप हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों को ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अभी तुम लोगों ने लड़ाई की तो मैं तुम दोनों को उठाकर कारावास में डाल दूंगा और हमेशा के लिए फिर तुम दोनों वहीं पर कैद रहोगे। तोते महाराज की ये बात सुनकर वे दोनों पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वे तोते महाराज से कहते हैं, अरे तोते महाराज, नहीं नहीं, मुझे बंदी बन के नहीं रहना, मैं अब बिल्कुल लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। हाँ तोते महाराज, मैं भी लड़ाई नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर तोते महाराज उन दोनों पक्षियों को छोड़ देते हैं और वे दोनों पक्षी उड़कर अपने अपने घर पर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नई चील इस जंगल में आई थी, क्योंकि उस चील को पुराने जंगल से मारकर तमाम पक्षियों ने निकाल दिया था और वे चील अपना शिकार ढूंढने की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसे कोई शिकार मिल जाए और उसकी भूख मिट जाए। अरे लगता है इस नए जंगल में तो कोई शिकार ही नहीं है, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, यहाँ तो कोई पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है, मैं किसका शिकार करूँ? मुझे तो लगता है मैं इस जंगल में ज्यादा दिन रही तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मीनू चिड़िया और उसका दोस्त बिरजू तोता एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने देखा हमारे जंगल में अब कोई लड़ाई नहीं करता, जब से तोते महाराज ने उन दोनों पक्षियों को समझाया है अब तो हमारे जंगल में बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही है। अरे हाँ तोते भाई, मैंने भी नहीं सुना कि उस कबूतर और उस कौवे ने आपस में फिर से लड़ाई की हो। अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि वो दोनों अब सुधर गए हैं और वे दोनों आपस में अब कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। अरे हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु मुझे लगता है अगर वे दोनों आपस में मिले तो वे दोनों लड़ाई जरूर करेंगे। अरे हाँ मीनू चिड़िया, ये बात तो मैंने सोची नहीं, अगर वो दोनों आपस में मिल गए तो वे दोनों जरूर लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो दोनों लड़ाई किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अरे हाँ तोते भाई, बस वो दोनों आपस में मिले ना तो हमारे जंगल की सुख शांति ऐसे ही बनी रहेगी और कोई भी पक्षी आपस में लड़ाई नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ वे चील काफी दिन से भूखी होती है
और वह शिकार पे जाने का सोच रही होती है। अरे इतने दिन से भूखा रहकर तो मेरी हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है। मैं बाहर निकलकर अपना शिकार ढूंढती हूँ, क्या पता मुझे कोई ना कोई पक्षी मिल जाए और मैं उसे अपना शिकार बना लूँ। फिर ये कहकर वे चील बाहर निकल जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। वहीं कौवे के घोंसले में भी दाना खत्म हो जाता है और वह दाना ढूंढने के लिए बाहर निकल रहा होता है। अरे मेरे पास तो सारा दाना खत्म हो गया है, चलो मैं बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ कर लाता हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा दाना खत्म हो गया। अब मुझे बाहर जाना होगा अपना दाना ढूंढने के लिए, चलो मैं जाता हूँ। फिर वे कबूतर हवा में उड़ रहा होता है और वे कबूतर देख रहा होता है कि जंगल में दाना कहाँ है। वहीं पर कौवा भी हवा में उड़ते उड़ते जंगल में दाना ढूंढ रहा होता है, परंतु अभी तक उसे कोई दाना नहीं मिल रहा होता। फिर अचानक कबूतर की नज़र एक गंदम पे दाने पे पड़ती है और वे कहता है, अरे वाह मिल गया दाना, चलो मैं जाता हूँ और इस दाने को उठा लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ उस कौवे की नज़र भी उस गंदम के दाने पे पड़ जाती है और वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर वे कौवा और वे कबूतर उस दाने को उठाने के चक्कर में एक साथ आकर बैठ जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अरे कबूतर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें घर में बैठा नहीं जाता, जब देखो मेरा पीछा ही करते रहते हो। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं बस यहाँ पर अपना दाना लेने आया हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। अरे क्या कह रहे हो, ये दाना, इस दाने को पहले मैंने देखा है और ये दाना मेरा है, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। अरे कौवे कितना झूठ बोलोगे, इस दाने को सबसे पहले मैंने देखा है और इस दाने पर मेरा हक है, तो मैं ही इसे पहले लेकर जाऊंगा। अरे क्या तुम्हारी दादागिरी है, मैं भी देखता हूँ तुम इस दाने को यहाँ से कैसे लेके जाते हो, ये दाना मेरा है। कौवे देखो तोते महाराज ने मुझे लड़ने से मना किया है, वरना मैं तुम्हें अभी अच्छा सबक सिखा देता। मुझे शराफत से ये दाना ले जाने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। फिर वे दोनों पक्षी आपस में लड़ने लगते हैं। वे चील भी वहीं पर छुपी हुई होती है और वे उन दोनों पक्षियों को लड़ते हुए देख रही होती है। फिर वे चील बिना सोचे समझे उन दोनों पक्षियों पर हमला कर देती है, परंतु वे दोनों पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वे चील को सामने देख कर उस पर भी हावी हो जाते हैं और वे कौवा और वे कबूतर उस चील को मारने लगते हैं। बहुत ज्यादा मार खाने के कारण उस चील की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उन दोनों पक्षियों का गुस्सा उस चील पर निकल गया होता है और फिर वे कौवा कहता है, अरे कबूतर मैं तो तुम्हें बिलावजा अपना दुश्मन समझ रहा था, अरे तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और आज से तुम मेरे दोस्त हो। अरे नहीं कौवे, मैंने तुम्हारी जान कहाँ से बचाई है, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है इस चील को मार के। हम दोनों आज से पक्के दोस्त हैं और हम दोनों अब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। फिर उन दोनों पक्षियों में भी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और अब उस जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जो कि आपस में लड़ रहा हो, और एक बार फिर उस जंगल में खुशहाली आ जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो को लड़ाई करता हुआ देख तीसरा फायदा जरूर उठाता है। दोस्तों अगर आप हमारी वर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।